हेलो गाइस फ्रेंड्स, एक बहुत बढ़िया आपने टाइटल से देख लिया होगा, बहुत बड़ी और एक स्टेबल अपडेट पिक्सल फोर एक्सल का आ चुका है अपने पोको एफ एन जो पिक्सल फोर है रूम है। और फ्रेंड देखो, इसका वैसे तो मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी भाई, 2 दिन पहले इंस्टॉलेशन वीडियो आ जाने चाहिए थी, बट सॉरी यार नहीं आ पाई। और वैसे भी अब तो एक नया अपडेट भी इसका निकल चुका है, जो फर्स्ट वाला था वो आपका वर्जन 1 था, इधर एक और अपडेट निकल चुका है वर्जन 2 का, जो आपके पिक्सल फोर एक्सल वो यार बहुत बढ़िया स्टेबल है। जो प्रीवियस वाली पिक्सल रोम आई थी, पिक्सल फोर रोम आई थी, उससे ज़्यादा भाई स्टेबल है परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी के मामले में, ऑप्टिमाइज बहुत है। तो उसी का टॉपिक है आज इंस्टॉलेशन वीडियो, कैसे उसको इंस्टॉल करना है अपने पोको 1 को। जो वर्जन 1 में है वो भाई सिर्फ उनको क्या करना है, वेंडर फ्लैश करना है और आपने डर्टी फ्लैश कर देना है, डेट्स ऑल। और जिसने अभी तक पिक्सल 4 XL रोम को ही फ्लैश नहीं करा है, तो भाई सीधा वो वर्जन 2 पर आप डाउनलोड करोगे, लॉजिक है। तो अब उधर से वही देखना भाई, और जो पहले से अपना क्या बोलते हैं वर्जन 1 पे, उनको तो सिर्फ डर्टी फ्लैश करना है, सिर्फ वेंडर फ्लैश करना है और आपका सिस्टम, डेट्स ऑल। सो नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन रखते का, जिसको सब्सक्राइब कर लो जो भी नया देख रहे हैं। और एज ऑलवेज अगर वीडियो है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। सो दोस्तों लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपने करना है, जिन्होंने अभी तक रोम फ्लैश नहीं करी है, पिक्सल 4 XL की बात करो, ठीक है, जिन्होंने अभी तक रोम इंस्टॉल नहीं करी है, मैंने फ्लैश नहीं करी है, Advanced 5 डेलविक कैचे सिस्टम डेट वेंडर, आई मीन क्योंकि आदिल सर एडिशन टी बार पर तो वेंडर उसमें शो होगा डेटा एक्स क्लीन फ्लैश, इतना आई मीन इंटरनल स्टोरेज इतना मैंडेटरी नहीं है वाइप करना। सो कंफर्म टू वाइप कर देते हैं इधर। सो बैक आना है, बैक आने का आपने एक बार फैक्ट्री सेट भी कर देना है, तो वैसे तो इतनी इसको रिक्वायर्ड नहीं है। अब सबसे पहले इधर आपने करना है जो आपका एंड्रॉयड क्यू का फॉर्मवेयर है, उसको इधर आपने फ्लैश कर देना है। ये रहा आपका पोको F1 का 11.0.4.0 क्यू का फॉर्मवेयर, कन्फर्म टू इसको वाइप कर देते हैं। वो तो गाइस देखो पता चलेगा कि भाई कितनी स्टेबिलिटी है, तो क्योंकि मैंने अभी तक यूज़ नहीं करी टोटली, मैं आपको पूरा क्लियर कर रहा हूँ, मैंने अब तक वीडियो रोम फ्लैश नहीं करी थी, तो अभी मैं एट द स्पॉट फ्लैश कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं वीडियो भी बन जाएगी, क्योंकि 2 दिन पहले अपडेट आया था, तो उसके बाद वर्जन 2 भी निकल गया आज है, यस्टरडे, हाँ आज ही निकला है, आज ही कल निकल गया था आपको वर्जन 2। सो यहाँ पे आपका फॉर्मवेयर भी फ्लैश हो चुका है, फॉर्मवेयर फ्लैश करने का यहाँ पे जो आपका वेंडर है उसको हमने चूज करना है कन्फर्म टू वाइप। जब और रिव्यू आपको सब कल भाई पूरी ट्राई करूँगी, कल ही निकलूँ, आई मीन कल इसका रिव्यू निकल, तो भाई मैं हर बार ये बोलता हूँ भाई कल आता अप्रॉक्स 2-3 दिन बाद है, सॉरी उसके लिए, बट स्टिल ट्राई करूँगा कि भाई कल इसका रिव्यू वीडियो निकाल लूँ। और लेट्स आई मीन लेट्स ही देखते हैं भाई क्या क्या इसका परफॉर्मेंस आएगी, 22 सब कुछ देखेंगे भाई, और इस पबजी रिव्यू भी इंक्लूड होगा उसमें। सो यहाँ पे वेंडर भी आपका फ्लैश हो चुका, सिस्टम यहाँ पे हमने चूज़ करना है कन्फर्म टू, इसको वाइप कर देते हैं। इंस्टॉलिंग कर्नल, इंस्टॉलिंग सिस्टम, सो यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो भी फ्लैश हो चुका है, तो सिस्टम डन, वेंडर डन, फॉर्मवेयर डन, रिबूट टू सिस्टम कर देते हैं। एक बार रिबूट टू सिस्टम भी कर सकते हो, बट रिबूट टू आप रिकवरी कर सकते हो, बट प्रेफरेबल यार एक बार अब आपको मैं केस अगर आपको फ्लैश करना है तो रिबूट टू यहाँ से रिकवरी कर देते हैं। सो रिबूट टू रिकवरी करने में आता है सब कुछ, यहाँ पर आपका डन हो चुका है, वेंडर हमने यहाँ पे फ्लैश कर लिया, फॉर्मवेयर भी हमने यहाँ पे फ्लैश करी, और आपका जो सिस्टम यहाँ पे फ्लैश हमने करी, तो 3 फाइल्स मैंडेटरी थी इस रोम को बूट करने के लिए। यू कैन सी गाइस ऑल 3 फाइल्स हैज बीन सक्सेसफुली बूटेड टू बूट पिक्सल 4 XL रोम, स्टेबल रोम ऑन आर पोको F1 गाइस। सो यहाँ से रिबूट टू हम सिस्टम कर देते हैं, डू नॉट इंस्टॉल, सिंपल। देखो गाइस मुझे भी तो अभी बहुत मतलब मेरे दोस्तों के पास भी पोको F1 हो, मेरा चैनल फॉलो करते हैं, बट उन्होंने भी गाइस अभी तक ये रोम फ्लैश करी है, वो भी ये कह रही भाई रोम बहुत बढ़िया है। सो लेट्स सी गाइस, यार यहाँ पे आपका गूगल का भी लोगो अपेयर हो चुका है। सो गाइस थोड़ा अगर वहाँ पे लिखा है, और डेल्पर ने वो चीज़ मेंशन भी कर रखी है, अगर भाई लोगो पे आपका फ़ोन स्टक रह जाता है तो आपने करना है फोर्स रिबूट कर देना है। तो मेरे हिसाब से अगर सबसे बढ़िया है 2 मिनट आप वेट करो, बट मैं इसलिए कह रहा हूँ ये चीज़ कि मैं बोलने वाला हूँ कि भाई अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है 2 मिनट आप रुको, 2 मिनट के बाद अपने आप फोर्स रिबूट कर दो, 100% गाइस आपकी ईजिली रोम बूट हो जाएगी, सिंपल जैसे हम OS के साथ करते हैं, 2 मिनट रुके बूट लोगों पे, उसके बाद फोर्स रिबूट कर दिया, अप्रॉक्स 3 या 4 मिनट में आपकी रोम बूट हो जाएगी। सो ये सबसे परफेक्ट है, ये इससे अच्छा है कि भाई आप अब 10-15 मिनट वेट करते रहो और फोन ही आपका स्टक रहे बूट लोगों पे, तो आपका भी टाइम वेस्ट है। 2 मिनट सबसे बेस्ट, 2 मिनट रुको उसके बाद रिबूट टू सिस्टम कर दो, आई मीन फोर्स रिबूट कर दो, सॉरी। सो ये सबसे बेस्ट है। सो गाइस मैंने क्या कहा था, अप्रॉक्स 3 से 4 मिनट में आपका सिस्टम बूट हो गया, सबसे बेस्ट है यार, इसे हमने OS के साथ भी करा है। आप 2 मिनट रुको, अपने आप फोर्स रिबूट करो, विद इन 2 मिनट्स आपका फ़ोन बूट हो जाएगा। मैंने 249 पे फोर्स रिबूट करो और 251 पे आपका फोन बूट हो गया, सिर्फ 4 मिनट लगे। सो ये सबसे बेस्ट है यार,
सो यहाँ पे गाइज आपका फोन सक्सेसफुल बूट हो चुका है, पिक्सल 4 XL रोम सक्सेसफुल बूट हो चुकी है गाइज ऑन आर पोको फाइव, यू कैन सी। सो गाइज फटाफट एक बार ट्रेनिंग से सेटअप स्किप कर रहा हूँ। सो गाइज सिस्टम तो आपका होम स्क्रीन पे आ चुका है, बट मुझे अभी तक गाइस एक ही बात का डर है कि भाई नेटवर्क फ्लक्चुएशन ना हो। जो प्रीवियस बिल्ड में पिक्सल एक्स जो आप इस बिल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, जो दूसरे डर पर रिपोर्ट की थी पिक्सल 4 XL के बिल्ड में कि नेटवर्क फ्लक्चुएशन यार बहुत थी पिक्सल की रोम में। जब दो तीन बिल्ड आए थे, जैसे अभी 3-4-5 दिन पहले एक नया बिल्ड आया है, तो उसमें तो मैंने ट्राई नहीं करा, बट प्रीवियस बिल्ड थे उसमें नेटवर्क फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम बहुत थी और बहुत लोगों ने चीज़ की कंप्लेंट भी करी थी। सो अभी तक तो मुझे फेस नहीं हुआ, बट थोड़ा एयरटेल में मुझे अभी तक नेटवर्क फ्लक्चुएशन फेस हुई है। जियो में नहीं हुई, एयरटेल में हुई है, क्योंकि मैं दोनों यहाँ पे एयरटेल और जियो की सिम यूज़ कर रहा हूँ। सो आप ऊपर देख सकते हो, सो थोड़ी बहुत मुझे एयरटेल में हुई है नेटवर्क फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम फेस। वो तो गैस ऊपर नीचे होती है, थोड़ा एरिया वाइज भी देखा जाता है कि भाई नेटवर्क कवरेज कितनी है। वो मानता हूँ, उस बात को एग्री करता हूँ मैं, बट स्टिल थोड़ा आप यूज़ करोगे, थोड़ा और क्लेरिफाई करोगे तो गैस आपको जब भी पता चलेगा। मैं कल आपको रिव्यू की वीडियो सब कुछ डिटेल रिव्यू दूंगा, सो उसका वेट करना फटाफट। इसके एक बार अबाउट सेक्शन में चले जाते हैं। रोम तब तक ठीक ही लग रही है, वो भी ठीक थी, बट जैसे उसने आई मीन नेटवर्क फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम बहुत थी इस बिल्ड में, तो वहाँ पे दिमाग ख़राब कर दिया था। और अभी आप थोड़ा देख सकते हो कि एयरटेल का नेटवर्क बहुत डाउन है, मतलब थोड़ी फ्लक्चुएशन है, थोड़ी है थोड़ा। बट मैं ये चीज़ भी कहता हूँ भाई, क्लियर करता हूँ, झूठ नहीं, कि भाई थोड़ी मेरी एरिया में एयरटेल की प्रॉब्लम है, जब भी ये कवरेज थोड़ी कम है। यू गाइस मैं आपको बताता हूँ, जो भी मैं कहूँगा यार झूठ तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये तो बाद में छोरी पकड़ी जाएगी और कोई फ़ायदा नहीं है। सो जब भी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी मेरे एरिया में भी एयरटेल की प्रॉब्लम है, जब भी कवरेज कम है, पूरा आपको क्लियर कर रहा हूँ बात को। सो फटाफट इसके और चले जाते हैं। नोट वर्जन आपका 10 है, नोट सिक्योरिटी आपका 5th February का है, और कन्वर्जन अच्छा कस्टम कर्नल यूज़ कर रखा है। नाइट्रो का कर्नल प्लस ठीक है यार, बिल्कुल परफेक्ट कस्टम रोम, अगर यूज़ करो तो कस्टम कर्नल यूज़ करो यार, ज़्यादा आपके लिए ही बेटर है। बट हाँ, कोई कोई कस्टम रोम में ज़रूरत नहीं होती है, डिफॉल्ट कर्नल के साथ ही आप परफेक्ट रहते हो। इसको टोटल आपकी इंस्टॉलेशन वीडियो थी। अगर वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एंड गाइस ऑल लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन गाइस, टू डाउनलोड एंड टू बूट पिक्सल 4 रोम ऑन आर पोको F1 गाइस। तो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग टेलीग्राम का भी, सो उसको भी यार ज्वाइन करना मत भूलना। ओए गाइस मिलते हैं स्टूडियो में, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।